नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड फेस के अंदर। आज 24 मार्च को शुरू करते हैं, 24 मार्च के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को बहुत ही प्यारे मोटिवेशन के साथ में। साथियों, अगर आप यहां पे इस जमीन से पानी निकालना चाहें तो आपको डेफिनेटली इसमें गड्ढे करने पड़ेंगे, लेकिन क्या आप यहां पे 100 जगह पर एक एक फुट के गड्ढे करने से पानी निकाल पाएंगे? पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 100 जगह पर एक एक फुट के गड्ढे करने से पानी निकलने वाला नहीं है, आपको एक ही जगह पर 100 फुट का गड्ढा करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे पानी ही निकलने वाला है। वैसा ही साथियों आपकी तैयारी के साथ में है। 100 जगह पर हाथ पांव मारने से आपकी तैयारी बेहतर होने वाली नहीं है। आप यहाँ पे किसी एक एग्जामिनेशन को फोकस कीजिए और उस पर पूरा दम निकाल दीजिए, आपकी गारंटी से सिलेक्शन होने से को रोकने वाला नहीं है। तो ये था आज का हमारा मोटिवेशन। और कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अभी हाल ही में जो खबरों में रहा है विट्सन रीफ, वो कहाँ पर स्थित है? तो वह है दक्षिणी चीन सागर में। फिलीपींस और चाइना को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया भी है विट्सन रीफ, और एक कोलर रीफ भी है। चलो तो आज शुरू करते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। एक क्वेश्चन यह है कि 24 मार्च 2021 को यहाँ पे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, यानी कि विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस। देखिए, अगर हम बात करें आज के दिन के बारे में, तो आज है यहाँ पे वर्ल्ड टीबी डे, यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, और ये हर साल मनाया जाता है 24 मार्च को ही आज के दिन। आपको बता दूं कि यहाँ पे डॉक्टर रॉबर्ट कोच, जिन्होंने यहाँ पे खोज की थी यहाँ पे माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस की, जो बैक्टीरिया है जिसके कारण ये बीमारी होती है, ट्यूबरक्लोसिस नामक जो बीमारी होती है, इसके खोजकर्ता पूछेंगे आपसे, तो खोजकर्ता है डॉक्टर रॉबर्ट कोच। और आज ही के दिन के 24 मार्च 1882 को 1882 को इसकी खोज की गई थी, और इसी को यहाँ पे एनुअली सेलिब्रेट किया जा रहा है एज अ वर्ल्ड टीबी डे। आपको बता दूं कि भारत के जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्हें अभी अपॉइंट किया गया है यहाँ पे एज अ चेयरमैन ऑफ द चेयरमैन, यहाँ पे नियुक्त किया गया है टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का, और ये भारत के लिए काफी गर्व का विषय भी है। और इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। चलो तो यदि मैं बात करूँ टीबी रोग के बारे में, डेट इज तपेदिक रोग, क्षय रोग या काक रोग, तो ये फैलता है एक बैक्टीरिया से। इट्स अ बैक्टीरियस डिजीज है, ये बैक्टीरिया यहाँ पे डिजीज मानी गई है। तो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पे वो बैक्टीरिया है वो जिस कारण से फैलता है, और मोंकपॉक्स इसका किया जाने वाला टेस्ट है। इसके दो यहाँ पे टीका होते हैं, वैक्सीन है, एक है BCG, एक है यहाँ पे डॉट्स। ये आपसे एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर हम बात करें देखिए वर्ल्ड टीबी डे के बारे में, तो वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को, और इस साल इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल इसकी थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। यस, तो याद कर लीजिएगा कि 2021 में जो वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो आपको बता दूं देखिए कि जो वर्ल्ड टीबी डे है ये मनाया जा रहा है WHO के द्वारा। WHO का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल 1948 को फाउंडेड किया गया था। आपसे एग्जामिनेशन पूछेंगे, जो UN का एक ऑर्गेनाइजेशन पार्ट भी है। चलो तो ये सारी बातें मैंने बताई थी। चलो डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करते हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन आप जानते हैं कि भारत के यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, और ये साथ ही साथ में WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। ये सारी बातें मैं इनके बारे में बहुत पहले डिटेल से बता चुका हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर हैड इट्स बर्थ एनिवर्सरी ऑन 23rd of March 2021? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। यस, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकी जयंती थी 23 मार्च 2021 के, यानी कल। तो भारत के बहुत ही फेमस यहाँ पे फ्रीडम फाइटर थे, और सोशलिस्ट लीडर है यहाँ पे, कौन से यहाँ पे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। उनकी यहाँ पे जयंती मनाई गई थी यहाँ पे कल के दिन 23 मार्च 2021 को। आपको बता दूं कि राम मनोहर लोहिया जी का जो जन्म हुआ है वो यहाँ पे 23 मार्च 1910 को। चलो अगर हम बात करें देखिए यहाँ पे सुखदेव के बारे में, भगत सिंह जी के बारे में, और राजगुरु के बारे में, तो इन्हें कल के दिन 23 तारीख को यहाँ पे फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 23 मार्च 2021 को पावर ग्रिड के द्वारा लॉन्च हुआ है एक ई टेंडरिंग पोर्टल, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है यहाँ पे कौन सा? प्रणीत। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पावर ग्रिड जो PSU कंपनी है, इसने एक ई टेंडरिंग जो पोर्टल है वो लॉन्च किया, जिसका नाम है प्रणीत। यस, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जो पावर ग्रिड है सेटअप एन ई टेंडरिंग पोर्टल, जिसका नाम है प्रणीत, और ये पूरी रूप से पेपरलेस वर्क करने वाला है, और इसे STQC के द्वारा पे मान किया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे पार्ट है। चलो तो आप देख पाएंगे कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है उसने एस्टेब्लिश किया है ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत को, और ये पूर्ण रूप से यहाँ पे कैसा है? पेपरलेस है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसे 23 अक्टूबर 1989 को फाउंडेड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में,
और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही ओन की जाती है, जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि जो पावर ग्रिड है वो किसके मंत्रालय के अधीन काम करती है, तो ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के यहाँ पे जो अभी MoSN की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, जो इंडिपेंडेंट चार्ज हुआ है RK सिंह, और इस मिनिस्ट्री को एस्टैब्लिश किया गया था 2 जुलाई 1992 को। ये भी आपसे एग्जामिनेशन में सिंपल सिंपल फैक्ट्स है जो पूछ सकते हैं। देखिए साथियों, एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं ना करंट के साथ आपको स्टैटिकल पोर्शन कराऊंगा ही कराऊंगा, क्योंकि ये मान के चलिए कि कोई भी करंट यहाँ पे बिना स्टैटिकल के डाटा के तो पूरा हो ही नहीं सकता। आप किसी भी एग्जामिनेशन बैठ जाइए, वेदर यू गो फॉर द UPSC SSC, आपको बहुत सारे स्टैटिकल डाटा ऐसा जो याद करने पड़ेंगे और पता होने चाहिए, क्योंकि करंट यहाँ पे स्टैटिकल डाटा के बिना अधूरा है, अधूरा। आप करंट को पढ़ पढ़ के यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले नहीं है। एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से चतुराई खेली जा रही है आजकल, आपको बहुत सारे डाटा है जो मैनिपुलेट करके दिए जाएंगे, तो इसके लिए ये सारा का सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये मान के चलिए कि मेरी पढ़ाने की जो शैली वो अलग है और बाकी की जो शैली है वो थोड़ी सी अलग है। आपको यहाँ पे मजा आएगा, बहुत सारा फ्रूटफुल कंटेंट है जो वाला है। चलिए साथियों, हम चलते हैं यहां पे आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 23 मार्च 2021 को यहां पे कैबिनेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और किस देश की सर्विस कमीशन के बीच में, तो ये आंसर यहां पे अफगानिस्तान के बीच में। यस, तो अभी देखते हैं कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है MOU, जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान ऑन पब्लिक सर्विस रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट देखिए, चलो अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारत की तरफ से UPSC है, और यहाँ पे हम जब बात करते हैं अफगानिस्तान की तरफ से, वो है इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड सिविल सर्विस कमीशन, जिसे बोलते हैं IARCSC। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप किया जा रहा है जो यहाँ पे सिलेक्शन कैंडिडेट्स की फील्ड को और मजबूत करने वाली है। तो ये अभी यहाँ पे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो तय की गई है भारत अफगानिस्तान के बीच में। अगर हम बात करें UPSC के बारे में, तो प्रदीप कुमार जोशी, जिसके यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमीशन में चेयरपर्सन भी हैं अभी, और इसे 1 अक्टूबर 1926 को फाउंडेड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं कल की बात कर रहा हूँ। देखो ये सारे की सारी न्यूज यहाँ पे लेटेस्ट है, कल रात के 9, 10, 11 बजे की जो न्यूज है वो आपको मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। चलो, तो 23 मार्च 2021 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन, अंडरस्टैंडिंग नहीं है यहाँ पे, कॉर्पोरेशन है, फॉर विथ विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ द वाटर रिसोर्स। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में इनमें से किस देश के साथ यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन को यहाँ पे साइन अप किया है, तो आंसर है जापान। यस, आंसर पे क्या है, जापान। आप देख पाएंगे कि कैबिनेट अप्रूव्स MOC साइन बिटवीन इंडिया एंड जापान इन द फील्ड ऑफ द वाटर रिसोर्स। अब यहाँ पे देखिए, एक आउटलुक का मैंने पूरा का पूरा एक कटिंग ली है, जिसमें आप देख पाएंगे कि इन्होंने क्या किया है, डेवलपमेंट को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए किया है, और खासकर इन द फील्ड ऑफ द वाटर एंड द डेल्टा मैनेजमेंट, और साथ साथ में भारत में किस तरह से यहाँ पे गंगा जो नदी है उसके शुद्धिकरण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो हम किस प्रकार से जापान की बहुत सारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके यहाँ पे वाटर्स को ड्रिंकिंग लायक बना सकते हैं, पीने लायक बना सकते हैं, क्योंकि भारत में वास्तव में जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ पानी की जो शॉर्टेज की समस्या है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। अभी देखिए मार्च का महीना चल रहा है, और भारत के ऐसे बहुत सारे देश, बहुत सारे यहाँ पे सिटीज़ हैं, और भारत के बहुत सारे पड़ोसी देश हैं जिनका अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है, खासकर बहुत अभी एक रिपोर्ट आई थी, मैंने कल ही पढ़ी है, उसके बारे में मैं आपको कल क्वेश्चन देने वाला हूं कि अभी यहां पे रिपोर्ट आई थी 22 मार्च को ही, जिसमें ही कहा गया था कि मार्च शुरू होते होते ही देखिए भारत की 102 सिटीज हैं जहां का वाटर लेवल यहाँ पे डेंजर लेवल से, या कह सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड लेवल है उसे काफी नीचे आ चुका है, तो मे बी इस साल के मई जून के अंदर बहुत बड़ी समस्या है जो भारत को फेस करनी पड़ सकती है पानी को लेकर। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जब बात करते, देखिए पॉइंट के बारे में कि यहाँ पे हम जब बात करते थे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, ये कौन है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है, और यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर, दिल्ली में है, और यहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसके मिनिस्टर है जल शक्ति मंत्रालय के, जापान। आप देख पाएंगे तो जो जापान है, तो जापान के साथ यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन को यहाँ साइन अप किया गया, और इसकी टोक्यो कैपिटल है, जापानीज यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज है, जापानीज येन यहाँ पे करेंसी है, और योशिहिदे यहाँ पे सुगा के प्राइम मिनिस्टर भी है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जो इनोग्रेट किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, तो इसका प्रोजेक्ट का नाम है एक्सटेंशन ऑफ जेटी। यस, तो ये आप देख पाएंगे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो उनका कमांड है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो अंडमान कमांड है, तो अंडमान और निकोबार कमांड में इन्होंने यहाँ पे जो जेटी है, यहाँ पे एक एक्सटेंशन ऑफ जेटी जो कार्यक्रम है, जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है। 230 मीटर लंबी ये जेटी है जो काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। खैर मैं बता दूं कि अभी इंडियन नेवी ने बहुत सारे यहाँ पे
कार्यक्रम है जो चलाए हैं अन्य देशों के साथ में भी, जैसे बहरीन की जो नेवल फोर्स है उनके साथ में इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है संकल्प। इसके साथ मैंने बताया था कि जो संकल्प कार्यक्रम चल रहा है वो चल रहा है कहाँ पे, देखिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में, पर्शियन गल्फ और ओमान के गल्फ में, और ये चल रहा है इंडिया बहरीन के बीच में। चलो इसी प्रकार से देखिए अभी दो दिन पहले कि इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन जो है INAS उसने अपनी जो सिल्वर डायमंड जुबली है वो कंप्लीट कर ली है। तो डायमंड जुबली कंप्लीट की थी यहाँ पे 21 मार्च 2021 को, और डोरमियर यहाँ पे लड़ाकू विमान है जो इंडियन नेवी के पास में है। अगर बात करें इंडियन नेवी की तो 4 दिसंबर ये याद कर लीजिएगा कि भारत में इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, और एडमिरल करमवीर सिंह इसके यहाँ पे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भी हाल ही में किस देश के साथ किस देश के विदेश मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली आए हुए हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान। यस लिखिए साथियों, तो अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मोहम्मद हनीफ अतमर वो भी यहाँ पे आए थे, भारत में आए हैं, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको बढ़ावा मिलने वाला है। देखिए अफगानिस्तान एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखिए क्षेत्र बने हैं बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप के और यहाँ पे USA के, तो उन्हीं को लेके किस प्रकार से भारत यहाँ पे उनके डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकता है इसको लेके बायलैटरल टॉक है जो इस पर की जा रही है, तो उसी के बारे में क्वेश्चन है आपसे, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके स्पोक्स पर्सन यहाँ पे नए बने हैं जिनका नाम है अरिंदम बागची, और अरिंदम बागची यहाँ पे नए स्पोक्स पर्सन है जिन्होंने रिप्लेस किया यहाँ पे अनुराग श्रीवास्तव जी को। अगर मैं बात करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में तो इसे हेड कर रहे यहाँ पे एस जयशंकर जिसे फाउंड किया गया था पे 2 सितंबर 1946 को। चलिए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की बात करें मेरे साथियों तो काबुल कैपिटल है, अशरफ गनी इसके प्रेसिडेंट है, अफगान यहाँ पे अफगानी यहाँ पे देखिए करेंसी है जो चलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली इंडिया ने 200 टन के जो मोबाइल हार्बर क्रेन्स हैं वो किस देश को या किस कंट्री को यहाँ पे भेजी है, तो आंसर यहाँ पे ईरान को, देखिए ईरान को। यस तो आप देख पाएंगे कि इंडिया ने सप्लाई की है 2 मोबाइल हार्बर क्रेन्स जिसे बोलते हैं MSC टू ईरान, और दोनों का जो वजन है वो यहाँ पे 100 टन का है। आपको बता दो कि ईरान के अंदर ये जो हार्बर्स हैं ये दी गई हैं किसे, यहाँ पे चाबहार पोर्ट को। यस आप देख पाएंगे यहाँ पे कि ईरान के अंदर ये इकलौता ऐसा पोर्ट है चाबहार पोर्ट जो कहाँ पे है, गल्फ ऑफ दी ओमान में है, यहाँ पे ओमान की खाड़ी में है, और इंडिया के जो संबंध है इस गल्फ से बहुत अच्छे बने हुए हैं। आपको बता दो कि इंडिया का जितना भी समुद्री व्यापार है वो इसी रास्ते से होता है ईरान और अफगानिस्तान के लिए, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि चाबहार पोर्ट यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासकर इन दो देशों के मध्य व्यापार के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 पोर्ट्स एक साथ है, पहला है बेश्ती और दूसरा है शहीद कलंत्री। चलो तो ये जो प्रस्ताव दिया गया है, ये जो साइन किया गया है, ये जो सहायता दी गई है, ये दी गई है शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा जिसको हेड कर रहे हैं यहाँ पे मनसुख लक्ष्मण भाई मांडवी जी। चलो अगर मैं ईरान की बात करूं देखिए तो हसन रूहानी जी इसकी प्रेसिडेंट है, तेहरान कैपिटल है ईरान की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी यहाँ पे सामिया सुलुह हसन यहाँ पे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो आंसर यहाँ पे तंजानिया की। देखिए तो सामिया सुलुह हसन बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द तंजानिया। आपको बता दूं कि अभी तंजानिया के यहाँ पे पहले प्रेसिडेंट थे यहाँ पे जॉन मुगुफली, इससे पहले प्रेसिडेंट थे जॉन मुगुफली जिनका COVID-19 के कारण देहांत हो गया, और उन्हीं के बाद यहाँ पे जो सुलुह उनके बाद देखिए हम जब बात करते हैं तो सामिया सुलुह हसन है ये बनी है पहली महिला यहाँ पे राष्ट्रपति। चलिए अगर देखिए बात करें तंजानिया के बारे में मेरे साथियों तो सामिया सुलुह देखिए पे प्रेसिडेंट है जिसकी कैपिटल है दोदोमा, और यहाँ पे आपको बता दूं कि बहुत ही फेमस एक पहाड़ी है, बहुत ही फेमस चोटी भी है जो अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक भी है माउंट तंजानिया, आपसे सॉरी माउंट किलिमंजारो है कहाँ पर, तंजानिया में है। यस तो माउंट किलिमंजारो जो कहाँ पर है, तंजानिया में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय डेब्यू मैच में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बनाया है, तो ये बनाया है कुणाल पांड्या ने। देखिए तो कुणाल पांड्या ने अपने पहले ही वनडे इंटरनेशनल मैच में, अपने डेब्यू इंटरनेशनल मैच में जो अर्धशतक है मार दिया है, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे के पांड्या है, कुणाल पांड्या है, तो उन्होंने 26 बॉल के अंदर ही हाफ सेंचुरी है जो मार दी है, और इनकी फर्स्ट 50 है ODI डेब्यू मैच में जो ये इन्होंने अर्धशतक लगाया है इंग्लैंड के विरुद्ध में, तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में है जिसमें कुणाल पांड्या ने जो सेट किया है नया वर्ल्ड रिकॉर्ड 26 बॉल में 50 ऑन ODI डेब्यूट। चलो ये जो मैच की बात करते हैं तो वनडे इंटरनेशनल मैचेस जो चलाए जाने हैं वो देखिए ICC के द्वारा है, ICC डेट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जिसके इमरान खान जहाँ पे डिप्टी चेयरमैन है, जो क्रिक बार के लिए यहाँ पे चेयरपर्सन है, मनु सहनी इंडिया के हैं जो CEO हैं,
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में। अगर हम बात करें बीसीसीआई के बारे में देखिए, तो दिसंबर 1928 में बीसीसीआई को एस्टैब्लिश किया गया था। सौरभ गांगुली इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट है, राजीव शुक्ला यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है और जय शाह इसके यहाँ पे सेक्रेटरी है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी यहाँ पे 23 मार्च 2021 को वो कौन सा राज्य है जहाँ पे महात्मा गांधी के पहले विजिट के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में एक पोस्टेज स्टैम्प को जारी किया गया है। तो आंसर है उड़ीसा। यस, तो उड़ीसा ने क्या किया, देखिए महात्मा गांधी जी की पहली जो प्रथम यात्रा हुई थी उसके 100 वर्ष पूरे होने पर एक यहां पे पोस्टेज स्टैम्प को यहां पे जारी किया। तो श्री संजय धोत्रे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में आते हैं, किसके यहाँ पे एजुकेशन कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने रिलीज की है पोस्टेज स्टैम्प जिसमें कहा गया है कि 100 वर्ष हुए महात्मा गांधी को पहले विजिट के। महात्मा गांधी जी ने पहली बार उड़ीसा को विजिट किया था 23 मार्च 1921 को और यहाँ पे 100 वर्ष इसके पूरे हो चुके थे। तो असहयोग आंदोलन के समय में ही महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे उड़ीसा की पहले विजिट की थी 23 मार्च 2021 को, 23 मार्च 1921 को, जिसको अभी यहाँ पे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो कैपिटल भुवनेश्वर है, जिसमें देखिए हम बात करते हैं तो नवीन पटनायक इसके मुख्यमंत्री है, विधानसभा सीटें हैं 147, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 30 और गणेशी लाल यहाँ पे कौन है, गवर्नर भी है। चलो आप लोगों के लिए आज का जो होमवर्क क्वेश्चन वो ये है कि अभी यहाँ पे भारत के जो कल्चरल मिनिस्टर है उन्होंने किसको कंफर्म कर दिया है 2020 का जो गांधी प्राइज है वो देने के लिए, गांधी पीस प्राइज देने के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आप दे सकते हैं मुझे कमेंट चैट बॉक्स के अंदर जरूर, ठीक है। चलो तो यदि आप क्रैक करना चाहते हैं एसएससी एग्जामिनेशन को इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ में, तो अभी के भी डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं बहुत सारी फ्री क्लासेस। लेकिन मैं आपको बता दूँ स्ट्रक्चर कोर्स के लिए अभी के भी लीजिएगा एसएससी एग्जामिनेशन का सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये फीस पे ना कीजिए, यूज कोड STSIR10 एंड सेव मनी। और एसएससी के सारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए जुड़ जाइए एसएससी के टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है एसएससी इंग्रेव। तो मेरे साथियों ये थी आज की करंट अफेयर क्लास, हम कल मिलते हैं दोबारा से 25 मार्च की करंट अफेयर क्लास में, तब तक बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद जय भारत।